गुड मॉर्निंग क्लास। आज इतिहास की कड़ी में 1857 के विद्रोह के बारे में हम और आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। दूसरा क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तीसरा क्वेश्चन आता है 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया या अपॉइंटमेंट किया गया या रिक्रूट किया गया सेनापति कौन था, जॉर्ज एलिसन। लेकिन जैसे विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोह प्रारंभ होने के पश्चात कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया नया सेनापति कौन था, कॉलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ये जफर नाम से फारसी भाषाएं में कविताएं लिखते थे। इन्होंने ही लिखा है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। इन्होंने ही लिखा है कि बिस्तरों की सिलबट को देखकर एहसास होती है, बिस्तरों की सिलबट को देखकर एहसास होता है कि रात कटी है करवटे बदल बदल कर। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है न किसी के आँख का नूर हूँ .. ठीक। अब आगे द डिसेसिव बैटल ऑफ इंडिया मालसन की पुस्तक है। द डिसेसिव बैटल ऑफ इंडिया किसकी बुक है, मालसन की पुस्तक है। इस पुस्तक में मालसन ने लिखा है कि जब भी हम यानी अंग्रेज और भारतीयों के बीच कोई भी युद्ध हुआ तो हम अपवाद स्वरूप कोई भी युद्ध न जीत सके, हमने भारत में शासन बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया, यानी डिवाइड एंड रूल के आधार पर किया। ठीक है, क्योंकि ऐसा करना हमारा कर्तव्य था। 1857 की क्रांति का केंद्र भारत में दिल्ली का लाल किला था। 1857 की क्रांति का केंद्र भारत के बाहर लंदन था। 1857 की क्रांति का मुख्य षड्यंत्रकारी इलाही बख्श था। 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और कमल था और इस प्रतीक को गुरुदास बाबा ने निर्मित किया था और गुरुदास बाबा नाना साहब के गुरु थे। 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर एक, नाना साहब लड़ रहे थे। नाना साहब का मूल नाम धौंदू पंत था। नाना साहब के वकील का नाम अजीमुल्ला था। दूसरे नंबर पे बेगम हजरत महल लड़ रही थी, ये इनके प्रधानमंत्री का नाम अली नकी था। तीसरे नंबर पे सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते लड़ रहे थे, सतारा महाराष्ट्र में है। चौथे नंबर पे दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, ये नेतृत्व की सबसे कमज़ोर कड़ी थे। 1857 की क्रांति का नेता जैसे ही बहादुर शाह जफर को चुना गया, सिख इस क्रांति से अलग हो गए क्योंकि सिख के भारत में दोबारा से मुगल सत्ता को स्थापित कराना नहीं चाहते थे। 1857 की क्रांति में जीनत महल भी लड़ रही थी, ये बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग की प्रेमिका थी और दिल्ली के लाल किले की गोपनीय सूचनाएँ अंग्रेजों तक पहुँचाती थी। छठवें नंबर पर रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी की रानी थी, ये भी लड़ रही थी। 1857 की क्रांति की एकमात्र योद्धा जिसके बारे में हीरोज ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी मर्द जितनी भी लाशें पड़ी हुई हैं उसमें सिर्फ एकमात्र मर्द है, वो कौन है, महारानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह भी लड़ रहे थे, ये जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति का एकमात्र योद्धा ये कौन, कुंवर सिंह, जो कि गोरिल्ला युद्ध नीति का पालन किया था। इतना समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति से जैसे ही 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब को चुना गया, सिख 1857 की क्रांति से अलग हो गए क्योंकि सिख भारत में दोबारा से मुगल सत्ता स्थापित कराना नहीं चाहते थे क्योंकि सिखों के गुरुओं की मुगल वंश के शासकों ने हत्या करवाई थी। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति में जितने भी लोग लड़ रहे थे उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं नाना साहब ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। इन्होंने तीर्थ यात्रा के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग इसलिए लिया था क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। इनका मूल उद्देश्य पेंशन प्राप्त करना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना। यानी 1857 की क्रांति में जितने भी लोग लड़ रहे थे सबके अपने अपने स्वार्थ थे। अगर सभी लोगों को मिलके एक स्वार्थ या एक उद्देश्य होता कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है तो 1857 की क्रांति में ही भारत स्वतंत्र हो जाता।
लेकिन 1857 की क्रांति में लड़ तो बहुत से लोग रहे थे, लेकिन सबके अपने अपने उद्देश्य थे। नाना साहब ये किसके पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के कौन से पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीर्थ यात्रा के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग क्यों लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। इनका मूल उद्देश्य क्या था? अपनी पेंशन प्राप्त करना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम गुरुदास बाबा था। क्या नाम था भैया? गुरुदास बाबा। और इसी गुरुदास बाबा ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और कमल निर्मित किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है उसको प्रस्तुत किसने किया था, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है उसको प्रस्तुत किया था किसने? तो नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला भी लड़ रहे थे। अजीमुल्ला कौन थे? अजीमुल्ला नाना साहब के वकील थे। इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था। कौन से युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन प्राप्त करने के लिए मिस्र, इटली, तुर्की, ब्रिटेन की यात्रा की। मिस्र, इटली, तुर्की, ब्रिटेन की यात्रा की। मिस्र, इटली, तुर्की, ब्रिटेन की यात्रा की तथा लंदन में एक गोपनीय बैठक की। और उस गोपनीय बैठक का पता अंग्रेज भी नहीं लगा सके। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का केंद्र भारत के बाहर लंदन को बनाया गया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति में और कौन कौन लड़ रहा था। इसको मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति में अभी दो लोगों के बारे में बताया, एक नाना साहब और अजीमुल्ला। 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब को नहीं चुना गया था, बहादुर शाह जफर को चुना गया था। नाना साहब ने अपने आप को बहादुर शाह जफर का पेशवा घोषित कर दिया था। 1857 की क्रांति का नेता किसे चुना गया था, क्वेश्चन आएगा। तो बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर का पेशवा नाना साहब ने अपने आप को नियुक्त कर लिया था। आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पर बेगम हजरत महल, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया। इनके बारे में देखेंगे, ये अवध के अंतिम नवाब बाईज अली शाह की पत्नी थी। ये कौन थी? अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह की वाइफ थी, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है भैया। इन्हें महकपरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। और महकपरी की जो उपाधि है, इन्हें महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। और महकपरी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? वाजिद अली शाह ने। किसने दी थी? वाजिद अली शाह ने दी थी। पुनः देखते हैं, बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनका मूल नाम महकपरी था। इनका मूल नाम क्या था? महकपरी। और महकपरी को उपाधि दी गई थी, ये निशान लगाए, इसका मतलब है महकपरी को उपाधि दी गई थी। क्या? बेगम हजरत महल। किसने? वाजिद अली शाह ने। यानी महकपरी इनका मूल नाम था, इनको उपाधि किसकी दी गई थी? बेगम हजरत महल की। किसने दी थी? वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे। इन्होंने भी 1857 क्रांति का भाग लिया था। और बेगम हजरत महल का मूल उद्देश्य क्या था? बेगम हजरत महल 1857 क्रांति में इसलिए लड़ रही थी क्योंकि ये अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को अवध का नवाब बनाना चाहती थी। ये अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को अवध का क्या बनाना चाहती थी? नवाब। इनका मूल उद्देश्य अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को अवध का नवाब बनाना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना। इसलिए इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा बेगम हजरत महल कौन थी, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महकपरी। महकपरी को कौन सी उपाधि दी गई? महकपरी को बेगम हजरत महल की उपाधि दी गई, यही बता रहे थे हम, तुम पीछे भूल गए। महकपरी को बेगम हजरत महल की उपाधि दी गई। किसने दी? वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह कौन थे? उनके पति थे। इनका मूल उद्देश्य क्या था बेगम हजरत महल का? अपने पुत्र
ब्रजेश कादिर को अवध का नवाब बनाना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद सतारा, देखिए सतारा से कौन लड़ रहा था, सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? रंगोजी बापूजी गुप्ते। क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति में सतारा से किसने भाग लिया था, 1857 की क्रांति में सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते ने भाग लिया था। किसने? रंगोजी गुप्ते ने। रंगोजी बापूजी गुप्ते ने कहाँ से भाग लिया? सतारा महाराष्ट्र में था। सतारा कहाँ था? सतारा महाराष्ट्र में था। सतारा कहाँ था? 1857 की क्रांति में सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते ने भाग लिया था। और सतारा कहाँ था? महाराष्ट्र था। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग इसलिए लिया था क्योंकि इनका मूल उद्देश्य क्या था भैया? इनका मूल उद्देश्य सतारा को स्वतंत्र कराना था। किसको स्वतंत्र कराना? सतारा को स्वतंत्र कराना, ना कि देश को आजाद कराना। समझ में आया? सतारा से कौन लड़ रही थी? रंगोजी बापूजी गुप्ते। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में 1857 की क्रांति में सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते ने भाग लिया था। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनका मूल उद्देश्य सतारा को स्वतंत्र कराना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब बहादुर शाह जफर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये नेतृत्व की सबसे कमज़ोर कड़ी थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह हैं ये। कौन है भैया? अंतिम मुगल बादशाह। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, ठीक है। इनका मूल उद्देश्य क्या था? ये मुगल सत्ता को स्थापित कराना चाहते थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल। इन्होंने भी भाग लिया था और ये लॉर्ड कैनिंग की प्रेम का थी। और भैया बहादुर शाह जफर, जफर नाम से फारसी भाषा में कविताएँ लिखते थे। इनकी हमने कविताएँ या शेर शायरी आपको बताई दी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि 1857 की क्रांति में सिखों ने भाग लिया था, तो आप क्या बताएंगे? 1857 की क्रांति में सिखों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए बहादुर शाह जफर की मौत कहाँ हुई थी, इंपॉर्टेंट है भैया जी। बहादुर शाह जफर की मौत रंगून में हुई थी 1862 में। कब हुई थी? हाँ, बहादुर शाह जफर की मौत रंगून में हुई थी 1862 में। जो क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत रंगून में हुई थी, इन्होंने मरते समय कहा था कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसे अपने देश की दो गज जमीन भी हासिल नहीं हुई। एक शायर ने लिखा है कि दो गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। ठीक है, आगे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जफर के नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे। रंगून में इनकी मौत हुई। कब हुई? 1862 में। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग इसलिए लिया था क्योंकि ये दोबारा से भारत में मुगल सत्ता स्थापित कराना चाहते थे, ना कि देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इनकी वाइफ का नाम जीनत महल था। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था और जीनत महल लॉर्ड कैनिंग की प्रेमिका थी। बहादुर शाह जफर ने मरते समय कहा था कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसे अपने देश की दो गज जमीन भी हासिल नहीं हुई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, एक शायर ने लिखा है कि दो गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तो बहादुर शाह जफर की यहां मौत हो गई। अब हम आगे देखते हैं कुंवर सिंह के बारे में। अब आगे देखते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह कौन थे भाई? जगदीशपुर के राजा थे। और 1857 की क्रांति में लड़ने वाला एकमात्र विद्रोही है, 1857 की क्रांति में लड़ने वाला एकमात्र विद्रोही है, 1857 की क्रांति में लड़ने वाला एकमात्र विद्रोही है जिसने क्या किया था, जिसने गोरिल्ला युद्ध का पालन किया था। जिसने कौन से युद्ध का? गोरिल्ला युद्ध नीति का पालन किया था। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये, 1857 की क्रांति का एकमात्र विद्रोही ये है जिसको अंग्रेज जीते जी गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अंग्रेज जीते जी गिरफ्तार नहीं कर पाए थे।
ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसको इरेज कर रहे भैया, महारानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनिए, महारानी लक्ष्मीबाई इन्होंने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था। क्यों लिया था जरा ध्यान सुनना, इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। सुनिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई, उस नीति का नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस या कैट्स एंड डॉग पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस या कैट्स एंड डॉग पॉलिसी के आधार पर झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। होता क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया कि जो राजा जिनके बच्चे नहीं हैं उनके साम्राज्य को डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस या कैट्स एंड डॉग पॉलिसी के आधार पर या अपहरण नीति के अंतर्गत अंग्रेज सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेती थी। तो महाराणा लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को, दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा बना के 1857 क्रांति के में कूद गई थी, विगुल फूंक दिया था और कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी। ये किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की। और गंगाधर राव की मौत हो गई थी तो उनकी कौन थी, ये विधवा। कौन थी भैया? विधवा। इनका मूल नाम क्या था? मनुबाई, मनु या छबीली या मणिकर्णिका। मणिकर्णिका करके अभी मूवी भी आई थी कंगना रनौत की, आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल उद्देश्य अपने पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा बनाना था, ना कि देश को स्वतंत्र कराना, इसलिए इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। गंगाधर राव की मौत हो गई, ये विधवा हो गई। इनका मूल नाम मनु या छबीली या मणिकर्णिका था। परिणाम स्वरूप इनके जो पुत्र था उस पुत्र की मौत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस या कैट्स एंड डॉग पॉलिसी या अपहरण नीति के तहत झांसी का क्या कर लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया और कहा कि जब मेरा पुत्र है तो मैं उसको राजा बनाऊंगी, मैं क्यों अपना साम्राज्य दूँ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अपहरण नीति के तहत या डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेपिस नीति के तहत या कैट्स एंड डॉग पॉलिसी के आधार पर जिस राजा के बच्चे नहीं होते थे उस साम्राज्य पर अधिकार किसका हो जाता था? अंग्रेजों का। परिणाम स्वरूप महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की संग्राम में कूद गई। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों का बहुत दिलेरी से सामना किया था। झांसी की थी इस बुंदेलखंड जहाँ के हम और आप हैं, पावन धारा पावन धरती की थी, और इन्होंने कहा था कि जब इनकी मौत हुई थी तो हीरोज इनसे लड़ रहा था, एक अंग्रेज कमांडर था या अंग्रेज सेनापति था, उसने कहा था कि आज यहाँ पर जितनी भी लाशें पड़ी हुई हैं उसमें सिर्फ एकमात्र मर्द है और वो कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि, यानी 1857 का विद्रोह की निर्धारित तिथि कितनी थी, यानी 1857 का विद्रोह कब शुरू हो गया था? तो 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी, यानी 1857 का विद्रोह कब शुरू होना था? 31 मई 1857। 1857 का विद्रोह कब शुरू होना था? 31 मई 1857। लेकिन विद्रोह शुरू कब हुआ था? March 29 1857। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले इसको। अब हम आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण, यानी 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, इसके कारण क्या हैं। यानी कोई भी चीज़ दुनिया में होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे कारण छिपा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं इसके पीछे कारण छिपा हुआ है। तो 1857 का विद्रोह भी तो कुछ ना कुछ कारण हुआ, तभी तो हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 के विद्रोह का कारण।
1857 के विद्रोह के बहुत से कारण थे, देख रहा इसमें फोटो आ रही, 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह के कारण कई कारण थे। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के बारे में सुनिए, देखिए राजनीतिक कारण। एक अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। एक अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम क्या था? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की कि यदि उसे किसे चार्ल्स नेपियर को चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की कि यदि मुझे चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की यदि मुझे 12 सालों के लिए भारत का बादशाह बना दिया जाए तो भारत में एक भी देशी रियासत नहीं होगी और नेपाल भी हमारा होगा। चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की कि उसे कितने साल के लिए शासक बनाया जाए? 12 वर्ष के लिए बादशाह बना दिया जाता है अगर भारत का, तो भारत में एक भी क्या नहीं होगी? एक भी देशी रियासत नहीं होगी और नेपाल भी हमारा होगा। चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की कि यदि उसे 12 वर्षों के लिए भारत का बादशाह बना दिया जाता है तो भारत में एक भी देशी रियासत नहीं होगी, नेपाल भी हमारा होगा। तो चार्ल्स नेपियर की यह घोषणा साम्राज्यवाद के विचार को प्रस्तुत करती है। चार्ल्स नेपियर की यह घोषणा किसको प्रस्तुत करती है? साम्राज्यवाद के विचार को। किसको? साम्राज्यवाद के विचार को। चार्ल्स नेपियर की इस घोषणा से देशी रियासतों के दिलों में डर व्याप्त हो गया और उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चार्ल्स नेपियर 1857 के विद्रोह कारण का पहला कारण क्या? राजनीतिक कारण। चार्ल्स नेपियर ने घोषणा क्या की कि यदि उसे कितने साल के लिए बादशाह बना दिया जाए? 12 साल के लिए बादशाह बना दिया जाए तो भारत में एक भी क्या नहीं होगी? देशी रियासत नहीं होगी और नेपाल भी क्या होगा? हमारा होगा, यानी अंग्रेजों का होगा। चार्ल्स नेपियर की यह घोषणा क्या प्रस्तुत करती है? चार्ल्स नेपियर की घोषणा साम्राज्यवाद का विचार प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप देशी रियासतों के दिलों में क्या हो गया? डर व्याप्त हो गया और उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुनः देखें 1857 के विद्रोह का कारण, सबसे पहला कारण कौन सा? राजनीतिक कारण। चार्ल्स नेपियर ने घोषणा की कि यदि उसे कितने साल के लिए? 12 वर्ष के लिए क्या बना दिया जाए? भारत का बादशाह। तो भारत में एक भी क्या नहीं होगी? देशी रियासत नहीं होगी और कौन सा देश हमारा होगा? नेपाल भी हमारा होगा। चार्ल्स नेपियर की घोषणा क्या प्रस्तुत करती है? साम्राज्यवाद के विचार को प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप देशी रियासतों के दिलों में डर व्याप्त हो गया और उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब हम आगे देखते हैं अंग्रेज और मुगल बादशाह। अंग्रेज और मुगल बादशाह के बारे में देखिए, देखिए अंग्रेज और मुगल बादशाह 1803 से ही, कितने से? 1803 से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। 1803 से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। 1803 से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। 1803 में कर्नल लेक ने दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? कर्नल लेक ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया था। कर्नल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? 1803 में। तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों के। 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे। लेकिन मुगल बादशाहों की मान मर्यादा का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। मान मर्यादा का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। एक बार पुनः देखते हैं, 1803 में किसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? कर्नल लेक ने। कब किया? 1803 में। तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों के। लेकिन मुगल बादशाह की मान मर्यादा का पूरा क्या रखा जाता था? खेल पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। मुगल बादशाह अंग्रेजों को अपना प्रिय पुत्र या वफादार नौकर कहकर पुकारते थे। यानी मुगल बादशाह, सबसे पहले देखते हैं 1803 में कर्नल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों। लेकिन मुगल बादशाहों की मान मर्यादा का पूरा पूरा क्या रखा जाता था? ख्याल रखा जाता था। मुगल बादशाह अंग्रेजों को क्या कहते थे?
प्रिय पुत्र या वफादार नौकर। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। फिर से 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। 1803 में मुगल बादशाह, सॉरी 1803 में किसने दिल्ली पर अधिकार किया? कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार किया? जोर से बोलो, 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार किया? 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार किया? 1803 में कर्नल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तभी से कौन मुगल बादशाह किसके? अंग्रेजों के। किसमें? संरक्षण में। क्या करने लगे? रहने लगे। 1803 में कर्नल लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तभी से मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे। मुगल बादशाह अंग्रेजों को प्रिय पुत्र तथा वफादार नौकर कहकर पुकारते थे। ठीक, मुगल बादशाह की मान मर्यादा का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था और मुगल बादशाह अंग्रेजों को प्रिय पुत्र या वफादार नौकर कहकर पुकारते थे। लेकिन आने वाले गवर्नर जनरल एम हस्ट ने, किसने? एम हस्ट ने बहादुर शाह जफर से साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपकी बादशाहियत सिर्फ नाम मात्र की है। एम हस्ट ने क्या कह दिया बहादुर शाह जफर से? बहादुर शाह जफर से कह दिया कि आपकी बादशाहियत नाम मात्र की है और भारत के फुल फ्रेश यानी वास्तविक शासक कौन है? अंग्रेज। ठीक है, एम हस्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपकी बादशाहियत नाम मात्र की है। ठीक है, आने वाले गवर्नर जनरल एम हस्ट ने बहादुर शाह जफर से साफ साफ कह दिया कि आपकी बादशाहियत सिर्फ नाम मात्र की है। इसी एम हस्ट के शासन काल में बहादुर शाह जफर ने एक रेजिमेंट को गिफ्ट देना चाहा। गिफ्ट कैसा होता था? राजा महाराजा अगर किसी बात से खुश हो जाते थे तो अपना हार एकदम तोड़ा और ऐसे फेंक के दे देते थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर ने एक रेजिमेंट को गिफ्ट देना चाहा, तो उसने रेजिमेंट ने अधिकारी ने गिफ्ट तो ले लिया लेकिन बहादुर शाह जफर का खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, जिससे बहादुर शाह जफर की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों के। मुगल बादशाह की मान मर्यादा क्या रखा जाता? पूरा पूरा ख्याल। मुगल बादशाह अंग्रेजों को क्या क्या पुकारते थे? प्रिय पुत्र या वफादार नौकर। लेकिन आने वाले गवर्नर जनरल एम हस्ट ने बहादुर शाह जफर से साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपकी बादशाहियत नाम मात्र की है। अब आने वाले गवर्नर जनरल एम हस्ट ने साफ साफ कह दिया बहादुर शाह जफर से कि आपकी बादशाहियत सिर्फ नाम मात्र की है। और इसी एम हस्ट के शासनकाल में एक रेजिमेंट को बहादुर शाह जफर ने गिफ्ट या नजराना भेंट करना चाहा, उस रेजिमेंट ने बहादुर शाह जफर का खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जफर की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इस एम हस्ट के बाद जो नया गवर्नर जनरल आया, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? उस गवर्नर जनरल का नाम था ऑकलैंड। कौन नाम था? ऑकलैंड। इस ऑकलैंड ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में दरबार लगाने पर रोक लगा दी। और दीवाने आम और दीवाने खास पर भी रोक लगा दी। दीवान ए आम एवं दीवान ए खास पर क्या लगा दी? रोक। एम हस्ट के बाद आने वाले गवर्नर जनरल आए ऑकलैंड, उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली में दरबार लगाते थे क्योंकि राजा थे, तो उन्होंने कह दिया अब तुम नाम मात्र के राजा हो, अब दरबार वरबार नहीं लगेगा। और दीवाने आम और दीवाने खाम, दीवाने आम में राजा सभी लोगों से मिलता था लेकिन दीवाने खास में खास खास लोगों से मिलता था। ठीक है, इन पर भी रोक लगा दी। ऑकलैंड के बाद जो गवर्नर जनरल बन के आए वो कौन थे? कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के समय थे। ध्यान देना, ये 1857 की क्रांति की पहले की घटनाएं हैं क्योंकि 1803 से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। तो एम हस्ट ऑकलैंड, इसके बाद कैनिंग, और कैनिंग जब आए 1857 की क्रांति में, तो लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा और अब मुगल दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जफर और मुसलमानों के दिलों में डर व्याप्त हो गया कि उनकी सत्ता समाप्त होने वाली है, इसलिए उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतलब मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। 1803 में कर्नल लेक ने कहाँ पर अधिकार किया? दिल्ली पर। तभी से मुगल बादशाह किसके संरक्षण में रहने लगे? अंग्रेजों के। मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे और मुगल बादशाह की मान मर्यादा का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। मुगल बादशाह अंग्रेजों को प्रिय पुत्र तथा वफादार नौकर कहकर पुकारते थे। 1803 की घटना है। तो एम हस्ट जो जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आपकी बादशाहियत नाम मात्र की है। और इसी एम हस्ट के शासनकाल में बहादुर शाह जफर ने एक रेजिमेंट को गिफ्ट या नजराना देना चाहा, भेंट देना चाही, तो उस रेजिमेंट या
रेजिडेंट ने खड़े होकर बहादुर शाह जफर का अभिवादन नहीं किया, परिणाम स्वरूप बहादुर शाह जफर की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। एमहर्स्ट के बाद गवर्नर जनरल बन गया है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने बहादुर शाह जफर को या मुगल बादशाहों को दिल्ली में दरबार लगाने पर रोक लगा दी और दीवाने आम तथा दीवाने खास पर भी रोक लगा दी। इसके बाद गवर्नर जनरल और कैनिंग बनकर आए। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब मुगल दिल्ली के राजा नहीं हैं और बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भी नया मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा और ना ही मुगल अब दिल्ली के लाल किले में रहेंगे। परिणाम स्वरूप मुगल बादशाहों और मुसलमानों के दिलों में ये डर व्याप्त हो गया कि भारत से उनकी सत्ता समाप्त होने वाली है, इसलिए उन्होंने 1857 क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतना समझ आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 1857 का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए नमस्कार।